तो दोस्तों अगर आपका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है या आप अपना आयुष्मान कार्ड नहीं बना पा रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपना बेनिफिशियरी लिस्ट में नाम चेक करना होगा। अगर आपका बेनिफिशियरी लिस्ट में नाम होगा तो आप अपना आयुष्मान कार्ड कभी भी बना सकते हैं। अगर आपका बेनिफिशियरी लिस्ट में नाम नहीं होगा तो भी आप अपना आयुष्मान कार्ड कैसे बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना बेनिफिशियरी लिस्ट कैसे चेक कर सकते हैं और आप अपना आयुष्मान कार्ड कैसे बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो फटाफट शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल में किसी भी एक ब्राउजर को ओपन कर ले। ओपन करने के बाद आप यहाँ सर्च करेंगे PMJAY। जैसे ही आप यहाँ पर सर्च करेंगे आप यहाँ पर आयुष्मान भारत PMJAY के ऑफिशियली वेबसाइट पर आ जाएंगे। आपको इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप यहाँ आ जाएंगे नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। अब आपको सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि आप अपना बेनिफिशियरी लिस्ट में नाम कैसे चेक करेंगे, उसके बाद से मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि आप अपना आयुष्मान कार्ड कैसे बना सकते हैं। तो बेनिफिशियरी लिस्ट डाउनलोड करने के लिए आपको यहां पर एक ऑप्शन मिल जाएगा मेनू का, आप यहां पर देख सकते हैं। आपको इसके बगल में 3 डॉट का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहां पर बहुत सारा ऑप्शन आ जाता है। आपको यहां पर एक ऑप्शन मिल जाएगा पोर्टल, आप यहां पर देख सकते हैं। उसी के नीचे आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा आयुष्मान मित्र, आपको उसी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप यहां पर आयुष्मान मित्र के साइट पर आ जाएंगे, आप यहां देख लें। उसके बाद से आपको यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड का, आप यहाँ पर देख सकते हैं अपना यहाँ पर बेनिफिशियरी लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख ले डाउनलोड द लिस्ट ऑफ आयुष्मान भारत PMJAY बेनिफिशियरी ऑफ योर विलेज ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट। अगर आपका घर यहाँ पर विलेज में है तो भी आप अपना बेनिफिशियरी लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ पर घर शहरी में है या आपका यहाँ घर सिटी में है तो भी आप अपना बेनिफिशियरी लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो लिस्ट डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है क्लिक हियर पर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने आपका अगला पेज ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। तो आप यहां पर देख सकते हैं आपके द्वारा आयुष्मान, आपको यहां पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आप यहां गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। आपको अपना ओटीपी यहां पर डाल लेना है, जो भी आपका ओटीपी होगा आप यहां पर डाल लेंगे। उसके बाद से आपको यहां पर एक कैप्चर शो हो जाएगा, आप यहां पर कैप्चर डाल लेंगे। कैप्चर डालने के बाद आप यहां देख सकते हैं लॉगिन का एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, सिंपली लॉगिन हो जाना है। तो हम यहां पर अपना कैप्चर डाल लेते हैं, उसके बाद से हम यहां पर लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन करने के बाद आप यहां देख सकते हैं डाउनलोड रिपोर्ट का एक ऑप्शन आपको मिल जाता है। अब आपको अपना बेनिफिशियरी लिस्ट डाउनलोड करने के लिए आपको यहां पर अपना स्टेट का नाम डालना होगा, जो भी आपका स्टेट का नाम होगा आप यहां पर डाल लेंगे। दूसरा आपको ऑप्शन मिल जाता है डिस्ट्रिक्ट नेम, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट नेम होगा आप यहां पर डाल लेंगे। तीसरा आपको ऑप्शन मिल जाता है ब्लॉक टाइप का, जो भी आपका ब्लॉक टाइप होगा आप यहां पर डाल लेंगे। चौथा आपको ऑप्शन मिल जाता है ब्लॉक नेम। पांचवा आपको ऑप्शन मिल जाता है विलेज नेम का, जो भी आपका विलेज का नाम होगा आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमने यहां पर अपना उत्तर प्रदेश डाल दिया है, उसके बाद से डिस्ट्रिक्ट का नाम भी यहां पर हमने डाल दिया है। उसके बाद से आपको यहां पर ब्लॉक टाइप पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहां पर दो ऑप्शन आ जाते हैं, ब्लॉक का ULB का। तो आपका यहां पर ब्लॉक अगर डिस्ट्रिक्ट ही ब्लॉक है तो आप यहां पर अपना ब्लॉक पर रहने देंगे। तो हमारा यहां पर डिस्ट्रिक्ट ही ब्लॉक है तो हम इसी पर रहने देंगे। उसके बाद से आप यहां ब्लॉक नेम पर क्लिक करेंगे, जो भी आपका ब्लॉक का नाम होगा आप यहां पर डालेंगे। उसके बाद से आप यहां विलेज नेम पर क्लिक करेंगे, जो भी आपका विलेज का नाम होगा आप इसमें ढूंढ लेंगे इस प्रकार से, और आप यहां पर अपना नाम डाल देंगे। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का नाम डालने के बाद आप यहां सर्च का एक ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहां पर थोड़ा वेट कर लेना है। आपका यहां पर गांव का पूरा PDF फाइल आपको शो हो जाएगा। आप यहां थोड़ा और नीचे आएंगे तो आप यहां देख सकते हैं हमारे गांव का यहां पर PDF फाइल आ गया है। अब आपको अपना बेनिफिशियरी लिस्ट में नाम कैसे चेक करना है, आपको यहां पर एक ऑप्शन मिल जाता है डाउनलोड का। इसके नीचे आपको यहां पर एक ऑप्शन मिल जाता है PDF का, आपको यहां पर PDF वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप यहां देख सकते हैं आपके सामने यहां पर डाउनलोड का एक ऑप्शन आ जाता है। आप इस पर क्लिक करके अपना PDF फाइल डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद कोई भी आप एक PDF फाइल को चूज करेंगे और अपना PDF फाइल इस प्रकार से ओपन करेंगे। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारा बेनिफिशियरी लिस्ट यहां पर डाउनलोड हो चुका है। तो आप इसमें अपना नाम स्टेप बाय स्टेप ढूंढ लेंगे, जहां भी आपका नाम होगा आप अपना नाम ढूंढ लेंगे। अगर आपका नाम नहीं है तो आप अपना आयुष्मान कार्ड कैसे बना सकते हैं, चलिए हम वो भी आपको बता देते हैं। तो आपको यहाँ पर सीधा होम पेज पर आ जाना है। होम पेज पर आने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं मेनू का ऑप्शन है, आपको इसी पर क्लिक करना है।
जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर पोर्टल का वही ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है आयुष्मान मित्र, आपको इसी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आयुष्मान मित्र के साइट पर आ जाएंगे। आयुष्मान मित्र मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर क्या है, अगर आप आयुष्मान मित्र बन जाते हैं तो आप किसी का भी आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। अगर आप किसी का आयुष्मान कार्ड बनाते हैं तो आपको कुछ अच्छी खासी इनकम भी हो जाती है। इस प्रकार से आप अपना भी आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। तो आयुष्मान मित्र में कैसे रजिस्ट्रेशन करना है मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर थोड़ा और नीचे आएंगे तो आप यहां देख सकते हैं क्लिक हियर टू रजिस्टर, आपको इसी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहां पर बहुत सारा ऑप्शन आ जाता है। पहला आपको ऑप्शन मिल जाता है सेल्फ रजिस्ट्रेशन का, आप यहां पर सेल्फ रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। दूसरा आपको ऑप्शन मिल जाता है आयुष्मान मित्र रजिस्ट्रेशन, तो आपको यहां पर आयुष्मान मित्र रजिस्ट्रेशन करना है, तो आपको यहां पर दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाता है। आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, उसके बाद से आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल देना है। आधार नंबर डालने के बाद आप यहाँ सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सिंपली इसमें सबमिट हो जाएंगे। जब आप यहाँ पर आयुष्मान मित्र में रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपको यहाँ पर एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। यूजर आईडी पासवर्ड डालकर आप यहाँ पर कैसे लॉगिन करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पर बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आयुष्मान मित्र रजिस्ट्रेशन, आयुष्मान मित्र आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप यहाँ पर नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं आयुष्मान मित्र लॉगिन, आपको इसी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप यहाँ देख सकते हैं लॉगिन आईडी नंबर, आप यहाँ पर जब भी आयुष्मान मित्र के लिए लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पर अपना लॉगिन आईडी नंबर डालना होगा। जब आपने पीछे अपना यहाँ पर आयुष्मान मित्र के लिए रजिस्ट्रेशन किया उसी में आपको यहाँ पर लॉगिन आईडी नंबर मिल जाता है, तो आपको यहाँ पर अपना लॉगिन आईडी नंबर डाल देना है। उसके बाद से आप यहां प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आयुष्मान मित्र के लिए लॉगिन हो जाएंगे। जब यहां पर आप आयुष्मान मित्र में लॉगिन हो जाते हैं तो आप किसी का भी आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। तो आपको यहां पर कुछ दिन वेट करना है, जब यहां पर आयुष्मान कार्ड बनना चालू हो जाएगा तो आप यहां पर अपना लॉगिन आईडी नंबर डालकर अपना आयुष्मान कार्ड बना लेंगे घर बैठे ही। अगर आपको आयुष्मान मित्र में लॉगिन होने का पूरा वीडियो देखना है तो मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, पूरा आप वीडियो देख सकते हैं कि आप यहां पर अपना आयुष्मान मित्र में लॉगिन कैसे हो सकते हैं, लॉगिन होने के बाद आप अपना लॉगिन आईडी नंबर कैसे बना सकते हैं, उसके बाद से आप यहां पर आयुष्मान मित्र के लिए कैसे लॉगिन हो सकते हैं। तो आपको मैं यहां पर बता दूं, आपको यहां पर कुछ दिन वेट करना है, जब यहां पर आयुष्मान कार्ड बनना शुरू हो जाएगा तो आप यहां पर अपना लॉगिन आईडी नंबर डालकर अपना या किसी का भी आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। आप यहां पर अपना घर बैठे ही अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं, लेकिन आपको यहां पर आयुष्मान मित्र में लॉगिन होना है। जब यहां पर आयुष्मान मित्र में लॉगिन हो जाएंगे तो आप किसी का भी आयुष्मान कार्ड अगर बनाते हैं तो आपको कुछ इनकम भी हो जाती है। तो इस प्रकार से आप अपना बेनिफिशियरी लिस्ट भी चेक कर सकते हैं और इसी प्रकार से आप यहां पर अपना लॉगिन आईडी भी नंबर बना सकते हैं। लॉगिन आईडी नंबर बनाकर आप अपना आयुष्मान कार्ड भी बना सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलिए।